स्टूडेंट अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व की है मल्टीपल रिग्रेशन की सेम वही एग्जाम्पल अब हम आर में परफॉर्म करके देखेंगे कि हमारे रिजल्ट जो आ रहे हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं जो रिज़ल्ट हमने मैनुअली फाइंड किए हैं सेम वही रिज़ल्ट आर में भी आ रहे हैं और आर में हम मल्टीपल रिग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं तो टू मेथड्स हैं मैं आपको आर में आज बताऊंगी अब वो टू मेथड्स हमारे पास बेसिकली कौन से हैं फर्स्ट क्या हम डेटा इंटर कर लें अभी प्रीवियस हमने देखा वी हैव एट वैल्यूज सो एट स्टूडेंट हैं हमारे पास एट स्टूडेंट्स के हमारे पास वाई फाइनल एग्जामिनेशन मार्क्स यू नो दैट एक्स वन जिसको वहां पे उन्होंने एक्स वन की जगह एक्स टू कहा मैंने यहाँ उसको एक्स वन कह दिया है एक्स वन इज क्लास टेस्ट मार्क्स एंड एक्स टू इज द लेक्चर्स अटेंडेड सो दिस इज सिनेरियो डेटा मैंने एंटर कर दिया बेसिकली आपको पता है कि आर में डेटा कैसे एंटर करते हैं एक्स नॉट मुझे एक एक्स नॉट का कॉलम बनाना है जैसे मैंने भी वहां पे आपको प्रीवियस याद है कि मैंने वहां लिखा था एक्स की जगह वैल्यूज एक्स नॉट मैंने क्या लिखा था एक्स विच इज इक्वल टू वन वन टू सो ऑन वन तो वो कितने टाइम्स था एन टाइम्स तो यहाँ पे आपके पास है क्या एक्स रिपीट होगा एन टाइम्स एक्स नॉट हमारे पास है इट मीनस कि वन रिपीट होना है एन टाइम्स और वन कितने टाइम्स रिपीट होना है एट टाइम्स सो वी हैव वैल्यूज दिस इज द्स नॉट रिपीट करेगा वो वन को कितने टाइम्स एट टाइम्स सो वाई वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल सी कंबाइन हम इसकी फॉर्म में लिखते हैं आपको पता है कि सी और ये डेटा मैंने इसमें एंटर कर दिया है वाई का डेटा x1 वन यहां मैंने इसको x1 वन किया और एग्जाम्पल में ये x2 टू था सो एक्स वन इज द्लास टेस्ट क्लास टेक्स के मार्क्स एंटर हो गए देन एक्स टू इज द लेक्चर्स अटेंडेड आउट ऑफ फिफ्टी एक्स टू लेक्चर्स अटेंडेड आउट ऑफ फिफ्टी डेटा एंटर कर दिया सो so फर्स्ट आप इसको रन करके देखो जी रन हो गया हाईलाइट देन रन सब वैल्यूज हमारी रन हो रही हैं देन अब आपको क्या चाहिए मुझे तो मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए जिसमें मेरे पास x नॉट भी हो x1 वन भी है एंड x2 टू भी हो तो मैट्रिक्स कंबाइन किया है हमने x नॉट को x1 वन टू कितने कॉलम्स हो चाहिए सो so, n कॉल हाउ मेनी कॉलम्स n कॉलम्स हो कितने कॉलम्स विच इज इक्वल्स टू थ्री थ्री कॉलम्स मुझे रन करने सो so, एक्स जस्ट हमने देखा है कि एक्स हमारा रन हो रहा है सो लुक एट दिस प्रीवियस जो एग्जाम्पल में मैंने आपको सारा इस चीज को समझाया कि वन 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 फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कौन सी वैल्यू है एक्स नॉट की सेकेंड कॉलम ये एक्स टू आपके पास है यहाँ पे एक्स वन आ रहे हैं और थर्ड हमारे पास है एक्स थ्री और हेयर इज दी एक्स टू तो मैट्रिक्स हमारा जनरेट हो गया अब अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो आपके पास लेक्चर में क्या था हमारे पास है बीटा कैप सो so, बीटा कैप इज दी एक्स 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 ट्रांसपोज वाई सबसे पहले हमने क्या करना है एक्स ट्रांसपोज ट्रांसपोज के लिए हमारे पास क्या होता है एक्स टी स्टैंड फॉर एक्स ट्रांसपोज एक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है मीन्स रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है नाउ द कमांड इज द टी ऑफ एक्स यानी टी एक्स का वो ट्रांसपोज लेगा यहां पे तो हम इसको रन करते हैं एक्स ट्रांसपोज रन हो गया रन करने के बाद हम चेक कर लें कि रोज कॉलम में कन्वर्ट हो गई हैं यस yes. आपके पास जो कॉलम था वो रोज में कन्वर्ट हो गया दिस इज द एक्स द्रांसपोज क्या कमांड है टी ऑफ एक्स ट्रांसपोज ऑफ एक्स फर्दर फर्दर हमारे पास है एक्स ट्रांसपोज एक्स को हमने मल्टीप्लाई करके देन उसका इनवर्स फाइंड करना है एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स चेक करना है सो पी वन पी वन यहाँ पे वेरिएबल है आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो तो पी वन हम मैंने यहां पे लिखा है पी वन विच इज इक्वल्स टू क्या एक्स ट्रांसपोज अब यहां पे आप देखो परसेंटेज मल्टीप्लाई परसेंटेज जब भी मेट्रिस की मल्टीप्लीकेशन होगी तो तब हमारे पास साइन आता है परसेंटेज मल्टीप्लाई परसेंटेज ये मेट्रिस की मल्टीप्लीकेशन का साइन है सो so, पी में हमने किया एक्स ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होगा एक्स से ठीक है हमारे पास क्या था यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज एक्स जस्ट हमने अभी इतनी सी वैल्यूज ली हैं सो एक्स ट्रांसपोज एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया एक्स से नाउ हाईलाइट देन रन पी वन हमारा रन हो गया है इट मीनस एक्स ट्रांसपोज एक्स रन हो गया नाउ दिस इज वैल्यू एक्स ट्रांसपोज एक्स सेम यही वैल्यूज आई है ना जो हमारे पास प्रीवियस एग्जाम्पल में आ रही थी नाउ दिस इज द एक्स एक्स ट्रांसपोज सो वी हैव एट वैल्यू सिक्स अब सम हमने देखा और सम हमारे पास आ गया ए ए अकॉर्डिंग टू आर दिसीन टू नाइनटी फाइव वेरीफाई हो गया हमारा रिजल्ट कि हमने अभी जो नमेरिकल किया था सेम वो ही रिजल्ट हमारे आर में आ रहे हैं सो so, फर्दर आपके पास बीटा के लिए हमारे पास फर्दर क्या था एक्स ट्रांसपोज एक्स अब हमने उसका लेना है इनवर्स बीटा कैप के लिए सो एक्स ट्रांसपोज एक्स हमारे पास आ गया इनवर्स के लिए फिर दिस मैंने लिखा हुआ इनवर्स के लिए हमारे पास क्या कमांड है सॉल्व यानी सॉल्व करेगा वो पी वन जहां एक्स ट्रांसपोज एक्स है दिस इज कमांड ऑफ सॉल्व हम इसका यहां से इनवर्स फाइंड करते हैं हाईलाइट देन रन इनवर्स आ गया अब ये इनवर्स हमने उधर नोमरिकली तो फाइंड नहीं किया अभी मैं आपको एक्सेल में भी बता दूंगी कि इन्वर्ट्स कैसे हमने फाइंड किया क्योंकि मैनुअली डिटर्मिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए हम यहाँ पे आर में कर रहे हैं इसके बाद एक्सेल पे भी मैं आपको बताती हूं कि हम कैसे इनवर्ट्स फाइंड करेंगे सो so, हमारे पास एक पार्ट आप अगर देखो तो ये सॉल्व हो गया है नाउ दिस इज क्या हो गया एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्ट एक्स ट्रांसपोज वाई अब हमने ये पार्ट कर लिया बीटा का हमारे पास एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्ट्स आ गया तो नेक्स्ट पार्ट क्या है x ट्रांसपोज y ये जो हमारे पास रिजल्ट अब ये हमने फर्दर फाइंड करने अब आर में हमने किया p2 नेक्स्ट मैंने ले लिया p2 वेरिएबल्स हैं आप इसको कुछ भी ले सकते हो नाउ दिस इज दी p2 x ट्रांसपोज ठीक है x ट्रांसपोज को किससे मल्टीप्लाई करना है y से तो हम क्या करेंगे मेट्रोसिस के मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने क्या करना है परसेंटेज फुल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। सो एक्स ट्रांसपोज जो हमारे पास था उसको हमने मल्टीप्लाई करना है वाई से पी टू पी टू हमने रन किया सेम वही टू फोर सिक्स अगर आपने वेरीफाई करना है आप इजीली इसको वेरीफाई कर लो सेम वही रिजल्ट सिक्स जीरो टू फोर सिक्स एट सेवन थ्री एंड दिस सेम रिजल्ट हमारे पास आ गए इट कि हमने ये पूरा पार्ट सॉल्व किया है अभी सेपरेटली सॉल्व किया बीटा निकालना है हमने फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया और उसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व किया अब हम चेक करते हैं बीटा दिस इज द कमांड ऑफ द बीटा अब बीटा हमारे पास क्या है सॉल्व करके दे वो मुझे p1 p1 सॉल्व की हमने कमांड लगाई है p1 वन मल्टीप्लाई करना है p2 से और मेट्रोसिस की मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको पता है कि परसेंटेज मल्टीप्लाई परसेंटेज आपके पास ये कमांड है यहां से अब हम बीटा निकाल लेंगे हाईलाइट देन रन हमारी रन हो गया है बीटा को हमने जस्ट चेक करना है कि बीटा की वैल्यूज क्या आ रही हैं। रिमेंबर अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो दिस इज बीटा नॉट बीटा वन एंड फिर इज द बीटा टू चेक कर लेते हैं क्या यही क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज थी यस माइनस थर्टी वन दिस इज द बीटा नॉट कह लो या आप इसको अगर पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम इसको बीटा वन कह रहे हैं नाउ दिस इज द बीटा टू एंड दिस इज द बीटा थ्री हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं हमने आर में इसको चेक कर लिया दिस इज द बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री पॉइंट्स के बाद थोड़ा सा डिफरेंस होगा इसलिए क्योंकि हम आर में सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास मैनुअली थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो पॉइंट्स के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होगा क्योंकि आर तो एक्सेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं ना पॉइंट्स में हमारे पास थोड़ा सा मैनुअली करते हुए पॉइंट्स में थोड़ा सा रिजल्ट हमारे वेरिएट हो जाते हैं अब मैंने ये फर्स्ट कमांड क्या रखी है फिर इज द बीटा नॉट बीटा में से जो आपके पास ये बीटा आए हैं इसमें से मुझे फर्स्ट वैल्यू बीटा की देते हैं बीटा वन मुझे सेकंड वैल्यू बीटा की चाहिए बीटा टू मुझे थर्ड वैल्यू बीटा की चाहिए तो क्या हो गया हमने रन कर लिए है कमान बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री मुझे इंडिविजुअली फाइंड करके दे तो फर्स्ट हम निकाल रहे हैं बीटा वन हाईलाइट देन रन आपने रन किया तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ से आ गई ना माइनस थर्टी वन पॉइंट टू सिक्स टू उसने मुझे फर्स्ट वैल्यू बीटा की फाइंड करके दे दी सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड में बीटा टू फाइंड कर लेती हूँ यहाँ से बीटा टू को हमने रन किया देन बीटा टू हमारे पास क्या आ गई है जी रिजल्ट आ गया है जीरो पॉइंट सेवन सिक्स नाइन दिस इज द बीटा टू अब मुझे चाहिए एस्टिमेटेड वैल्यू रिग्रेशन लाइन तो आ गई हमारे पास रिग्रेशन लाइन क्या थी वाई हैट अभी हम देख लेते हैं वाई हैट क्या होगा बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू तो मुझे यहाँ पे वाई हैट उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू चेक करनी है रिग्रेशन लाइन क्या आ गई सो बी वन उसने आर्डर दे दिया कि बी वन आपने उसमें नहीं फाइंड किया मुझे अब बी वन को भी सॉल्व करके शो करना है यहाँ से एरर से आप कितने इजिली पता चल जाएगा कि एरर क्या शो कर रहा है कि बी वन को हमने रन नहीं किया अब बी वन भी रन हो गया द एस्टिमेटेड वैल्यू इज लो हेयर इज एस्टिमेटेड वैल्यू नाउ हेयर इज कैप विच इज इक्वल्स टू दिस आपके पास वाई कैप अब वाई कैप में उसने हमें क्या वैल्यूज दी हैं? वाई कैप में उसने दी है एक्स वन की वैल्यूज जो एक्स वन हमारे पास थी ये वैल्यूज एंटर करके उसने वैल्यूज दिए सिमिलरली बीटा टू वाई टू बीटा टू बी टू एक्स टू यहाँ एक्स टू की भी वैल्यूज उसने ये एंटर कर दिए और हमें एस्टिमेटेड एस्टिटेड कैप दिस इज द एस्टिमेटेड वाई कैप का रिजल्ट दे दिया बट हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे रिजल्ट हैं वो कैसे हमने लिखने हैं हम उसको फर्दर चेक करते हैं नाउ ही इज द कैट कमांड कैट कमांड क्या करती है कि आपने जो रिजल्ट्स हैं उसको एक एक इक्वेशन की फॉर्म में बना के देगी कैट कमांड ब्रैकेट और आपको पता है कि जो हमारे पास होते हैं वैल्यूज लिखनी होती हैं जिसका रिजल्ट हमें वो दे वो अपोस्टफिस में कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर्ट्स के बेसिकली मुझे अभी ये नहीं चाहिए ये फर्दर हमारे पास है कैट कमांड वाई हैट अब वो वाई हैट की वैल्यू लिख के देगा इक्वल्स टू बी नॉट प्लस प्लस के साइन के साथ b1 के साथ x1 वन मल्टीप्लाई कर दे स्लैश एन नेक्स्ट उसमें वो मुझे लिख के दे प्लस साइन b2 और उसके साथ x2 को मल्टीप्लाई करे दिस इज कमांड हाईलाइट देन रन नाउ लुक एट दिस वाई हैट वाई हैट ने क्या किया इक्वेशन मुझे लिख के दे दी जैसे प्रीवियस हमने फाइंड की थी न्योमरिकली सेम अब उसने इक्वेशन लिख के दिया है माइनस थर्टी वन पॉइंट टू सिक्स फोर प्लस दिस इज द बीटा नॉट एक्स वन प्लस दिस इज द बीटा टू एक्स टू तो हमारे पास ये एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन आ गई है अब अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो हमारे पास उसमें पार्ट टू क्या था जो हम पार्ट टू इसमें चेक कर लें पार्ट टू इज द एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑन एटी फाइव मार्क्स इन क्लास टेस्ट एंड थर्टी फाइव मार्क्स लेक्चर्स अटेंडेड थर्टी फाइव लेक्चर्स अटेंडेड इसको अब हमने एस्टिमेट किया आर में फर्दर हमने क्या किया वाई हैट हैट तो वाई था आपके पास उसमें हमारे पास इक्वेशन आ गई कैट कमांड के साथ हमने इक्वेशन लिख एंड वाई वाई हैट हैट क्या कर रहा है अगर हमारे 85 मार्क्स आ जाएं क्लास टेस्ट में और 35 फाइव लेक्चर्स अटेंड किए तो देन हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल जो है फाइनल एग्जामिनेशन मार्क्स क्या आएंगे सेम वही मैंने मॉडल में लिख लिया नाईलाइट रन वाई हैड की वैल्यू थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो क्या आ रही थी वो वैल्यूज 82. टू पॉइंट समथिंग चेक कर लें कि 82 टू पॉइंट समथिंग वैल्यूज आ रही थी या नहीं बिल्कुल हमारी जी 82. टू पॉइंट समथिंग वैल्यूज आ रही थी जो हमने फर्दर फाइंड किया था दिस इज दिस इज 82.386 सेम हमारी ये वैल्यूज एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई जब क्लास टेस्ट हमारे पास 85 मार्क्स और 35 लेक्चर्स हमने अटेंड किए सेम हमारे पास रिजल्ट आ गया ठीक है ये अब आपके पास इक्वेशन हमने ये सारी हमने सॉल्व कर ली है यानी वो एग्जाम्पल हमने सारी आर में भी सॉल्व करके देख लिए है कि सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं अब नेक्स्ट आपके पास थी टेस्टिंग जो मेरे पास पार्ट टू था प्रीवियस एग्जाम्पल में वो उसको टेस्ट किया था कि बीटास को हमने टेस्ट करना है तो टेस्टिंग के लिए फर्दर हमने क्या किया है बीटा वन जी विच इज इक्वल्स टू दिस वन अब ये आपके पास कौन सी वैल्यूज आ रही हैं प्रीवियस अगर हम एग्जाम्पल में चेक करें तो एग्जाम्पल में प्रीवियस दिस इज दी टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि बीटा कैप एक्स प्राइम वाई उसका रिजल्ट हमारे पास है ई प्राइम ई ये रिजल्ट हमें चाहिए देन हम रखेंगे न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो एफ का रिजल्ट आना है सेवन पॉइंट वन प्रोसीजर फिर हमने अगेन आर में सोल्व करना है और टेस्टिंग करनी है नाउ बीटा वन विच इज इक्वल टू बीटा ट्रांसपोज टी बीटा लिखे ना बीटा ट्रांसपोज ये मल्टीप्लीकेशन P2 अब P2 में हमारे पास बेसिकली क्या था X ट्रांसपोज Y सेम वही रिजल्ट जो अभी मैं आपको न्यूमिरेटर में कह रही थी तो बेसिकली हम पहले न्यूमिरेटर को सॉल्व कर रहे हैं दिस इज द न्यूमिरेटर बीटा वन हमारे पास यहाँ से हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसको मैं सॉल्व कर रही हूं हाईलाइट देन रन रन हो गया बिल्कुल जी बीटा वन रन किया हमारे पास आ गई है फोर सिक्स थ्री थ्री सिक्स ठीक है अब हमारे पास फर्दर क्या है न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर में हमारे पास वैल्यूज क्या आनी थी न्यूमिरेटर में है यहाँ पे आप देखो रिजल्ट्स बेसिकली क्या था बीटा प्राइम एक्स प्राइम वाई माइनस एन वाई बार अभी ये टर्म रहती है ना हमने तो अभी इतना पार्ट सॉल्व किया ये की है हम कैसे लिखेंगे मीन ऑफ वाई स्क्वायर दिस इज मीन ऑफ वाई हमने इसको कैसे लिखना है एन इन मीन ऑफ वाई होल स्क्वायर तो अब आपके पास न्यूमेरेटर की ये वैल्यूज आ गई है फर्दर रन किया हमने एंड देन दिस इज वन जीरो मैंने बताया कि थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस सिर्फ मार्ज वो एरर किस बात का है पॉइंट्स का है क्योंकि आर में रिजल्ट एग्जैक्ट कहेंगे या एक्यूरेट रिजल्ट हमारे पास आर में आ रहे होते हैं ठीक है ये रिजल्ट हमारे पास वेरीफाई हो रहा है देन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास e prime e which is equals to the sum of y prime y जिसको हमने sum of y square का है minus beta one तो क्योंकि ये वाली values हमारे पास आ रही थी this is the denominator d e o m हमने रखा है means denominator denominator भी हमारे पास run हो रहा 395 point this और यहाँ हमारे पास 372 point result 372 तो माइनर सा फर्क आया है माइनर सा फर्क देखते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू में हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा था Then F. F, आपको पता है कि डिवाइड करना था हमने उसको उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमने लिख लिया टू दिस दिस इज दिक्स पॉइंट फाइव और आपके पास एफ क्या आ रहा था सेवन और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या थी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई सेवन पॉइंट समथिंग और ये सिक्स पॉइंट फाइव और टेबल वैल्यू क्या थी टेबल वैल्यू अगर आप रिकॉल करो हमने टेबल से वैल्यू देखी थी विच इज इक्वल टू फाइव पॉइंट सेवन एट सिक्स तो कंक्लूजन हमारा सेम रहा है कॉन्क्लूजन में कोई फर्क नहीं हमारे पास आ रहा सेम रिजल्ट आ रहे बट आर ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दैनवली अब ये सारा आपने जो प्रोसीजर किया है अगर मैं इस प्रोसीजर के बजाय एक कमांड जस्ट रन कर दूं तो हमारे पास रिजल्ट वैसे ही आ जाएंगे अब वो कमांड बेसिकली क्या है वो कमांड हमारे पास है मैं इसको हाईलाइट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं कि फर्दर यहाँ पे अगर हमें ये सारा प्रोसीजर ना करना हो और जस्ट हम एक कमांड रन कर लेंगे एंड दैट इज द मॉडल विच इज इक्वल्स टू एल एम एल एम स्टैंड फॉर लीनियर मल्टीपल मल्टीपल लीनियर आपके पास है लीनियर रिग्रेशन एल एम वाई वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है ना रिस्पॉन्स वेरिएबल टेंस टू एक्स वन प्लस एक्स टू यानी वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वन एक्स टू इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो कमांड आपके पास है एल एम की एल एम की कमांड हम रन कर रहे हैं रन मॉडल को अगर मैं रन करूं नाउ द मॉडल इज दिस ईजिली हमारे पास रिजल्ट हो गया इतना सब कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है बट वो आपने किस लिए किया अगर मेट्रिस में आपके पास हो रिजल्ट्स तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है आपको दोनों मेथड आने चाहिए मेट्रिस के साथ भी आर सॉल्व करना आना चाहिए देन मॉडल तो एक जर्नल है नो हेयर इज दफिशेंट दिस इज दीटा नॉट माइनस थर्टी सो बीटा वन वन पॉइंट प्लस बीटा टू जीरो पॉइंट सेवन हमारे पास सिंगल एक कमांड से भी रिजल्ट जनरेट हो गए दिस इज द होल प्रोसीजर कि सेम वही एग्जाम्पल हमने किस तरह सॉल्व की है हमने वही एग्जाम्पल आर में भी सॉल्व किया है और कैलकुलेटेड एफ हमारे पास 6.5 था टेबल वैल्यू 5. पॉइंट समथिंग थी सो so वहां से भी हमें पता चला है कि कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर वैल्यू सो वी रिजेक्ट इज नॉट एट फाइव और टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नाउ हेयर इज द बीटा कैप दिस इज़ दी इन्वर्ट्स अब हम चेक करें ये इन्वर्ट मैनुअली कैलकुलेट करना मुश्किल है हम चेक कर लेते हैं इसको एक्सेल पे सेम ये वैल्यूज़ हैं और इन वैल्यूज़ का मुझे इन्वर्ट्स लेना है एक्सेल पे हम चेक कर रहे हैं मैंने वैल्यू एंटर की हुई है दिस इज दी एक्स ट्रांसपोज एक्स अब इसका इन्वर्ट्स के लिए आप यहाँ करोगे कहीं पर भी आपने करना है सबसे पहले आपको थ्री क्रॉस थ्री चाहिए तो थ्री क्रॉस थ्री हमने हाईलाइट कर लिया

अब एक्सेल ने कैसे आपको इसका रिजल्ट दे दिया है तो हम बजाय मैन्युअली कर करने के लिए हम एक्सेल पे इसका इन्वर्ट फाइन कर लेते हैं तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्पल